सो गुड मॉर्निंग सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं आपको दोशौर्य और करते हैं एक नए दिन की शुरुआत नई वीडियो के साथ। काजल अभी सो रखी है फिलहाल, भाई चला गया है अपने ऑफिस। जैसे कि मैंने आपको बताया, मंडे और वेडनेसडे उसका ऑफिस होता है, बाकी दिन वो घर में ही होता है। और भाई के लिए नाश्ता वगैरह बना के फिर वो सो गई है। अभी उसने बोला है कि मुझे 9 बजे से पहले मत उठाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसको 9 बजे उठाऊंगा। उसके बाद उसका वर्कआउट वगैरह स्टार्ट होगा और इवनिंग में मुझे निकलना है स्टूडियो। और आज का प्लान ऐसा है कि रात को जाएंगे हम गीत के बर्थडे में। गीत का बर्थडे वैसे हो चुका है, लेकिन फिलहाल हम लोगों को वो ट्रीट दे रही है, काजल को, मुझको भी। तो ठीक है, काजल के उठने का वेट करता हूँ, उसके बाद आता हूँ आपके सामने। काजल कर रही है अपना वर्कआउट, सो के उठी है वो, उसका वर्कआउट स्टार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 काजल की एक बेस्ट बात है, जब भी ये एक्सरसाइज कर रही है तो डेडिकेशन के साथ करती है। 8 9 10 टू मोर 11 12 13 5 6 7 स्टार्ट 1 2 3 4 5 पूरा बदला निकाल दिया ये। 10 7 चलो भाई साहब, ड्रॉर बंद कर दिया करो जब भी यूज करते हो तो। मुझे बता देना जब आओगे, ठीक है? क्यों ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम इतने सज धज के? शर्म कर लो, लोगों का डीओ मार मार के इतने डीओ रखे हुए तुम्हारे, दूसरों के डीओ लगाते रहते हो, शर्म कर लो थोड़ा। आज हम जा रहे हैं तुम्हारी जो फ्रेंड है गीत, उसके बर्थडे में, और मेरे से ज्यादा तो तुम ही सज रहे हो। बेटा सज तो रानी भी क्लास में जा रहा हूँ, मैंने गीत को ये बोला, गीत मैं जल्दी क्लास अपने लोअर में लेता हूँ, और आज तेरे चक्कर में मुझे ये भी रखो मेरा, तेरे चक्कर में मुझे जींस में जाना पड़ रहा है, तो आज मैं जींस में ही क्लास लूंगा। स्टूडेंट भी बोलेंगे सर मतलब जींस में, हमें खुद बोलते लोअर में आने के लिए, खुद मतलब जींस में आ रहे हैं, तो शुक्र है अपना डीओ लगा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आज जा रहे हैं गीत के बर्थडे में, गीत का बर्थडे तो हो चुका है फिलहाल, आज वो पार्टी दे रही है हमें, हमें क्या काजल को, और वो लोग तुम्हें भी स्पेशली तुम्हें भी बोला था सर और मेरे साथ सेलिब्रेट करना, ये लोग आएंगे गुरुग्राम में क्योंकि उसके गुने चुने फ्रेंड्स हैं, तो वो जिन जो जो उनके उसके क्लोज हैं वो उसके साथ सेलिब्रेट करती है। तो 8:30 बजे तुम पहुंच जाना, 8:30 बजे ये लोग अपने मतलब मेरे स्टूडियो में आएंगे, 8:30 बजे मेरा लास्ट लेक्चर है, वहीं से हम निकलेंगे। लेक्चर तो ऐसे बोल रहे क्लास है, क्लास मास्क, दिस इज माय मास्क, पूरे लॉकडाउन में मैंने यही मास्क चलाया 2 साल से। चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ओके बाय, चलो मिलते हैं फिर। तो क्लास ओवर हो चुकी है मेरी, काजल और गीत ऑलरेडी बाहर वेट कर रहे हैं, 8:30 ने मैंने टाइम दे रखा था, लेकिन बैच चल रहा था तो नीचे बैच अभी बच्चे प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, उनका तो 15 मिनट एक्स्ट्रा मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया। फिलहाल ये लोग आ गए दोनों बैच से बच रहे हैं। हेलो गीत, इस लड़की का बर्थडे था और बर्थडे तो गुजर चुका है, लेकिन आज ये ट्रीट दे रही है। पर ये मैडम ऐसे तैयार होकर आई, देखो तुम्हें कहाँ जा रही है, लेकिन ये ऐसे कपड़े बहुत वाइड नहीं लगती, वाइड में आप डिसाइड करोगे। तो तुमने सेम सेम कलर का कैसे पहना है? आ गई है काजल और गीत, अभी हमें नहीं पता था हमें कहाँ जाना है, इसने जैसे इसका फ्रेंड है विजय उससे बात की, तो वो अभी डीजे है, तो कौन से जंक्शन में है वो अभी? नाइट राइडर एक क्लब है यहाँ पे, वो तो फरीदाबाद है। नहीं नहीं, ऑन द वे 20 मिनट्स दिखा रहे हैं, 11 किलोमीटर 19 मिनट्स। तो इसका फ्रेंड है डीजे, डीजे क्या विजय, जो विजय नाम है वो डीजे है, तो वो अभी प्ले करता है नाइट राइडर जंक्शन में, तो वहां हम जा रहे हैं अभी फाइनल। पहले हम डिसाइड कर रहे थे यहीं के आसपास, कभी हम कहीं हम गुरुग्राम के पास चले जाएंगे, लेकिन एकदम मतलब तूने कब की उससे बात? शाम में की, मैंने बोला क्लब है तो। हाँ तो वो तो होता ही है, कहीं प्ले कर रहा तो। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, समझिए, बेचैन दिल को कैसे आराम दूं, इस प्यार को मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? नहीं अभी गीत से पूछूंगा, वो भी सही बताएगी। गीत में पानी दे दो मेरे बैग में। तो अभी अपने दोस्त विजय के यहाँ आए थे, लेकिन सब खाने पीने वाले लोग थे, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग खाने पीने वाले लोग नहीं हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वापस गुरुग्राम, गुरुग्राम से हम निकलेंगे घर।
सो फाइनली हम आ गए हैं कहाँ पे, ड्यूटी फ्री में। और इससे पहले हम गए थे विजय, इसका जो मतलब हमारा जो फ्रेंड है उसके वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ज्यादा खाने पीने वाले लोग थे। पीने वाले तो हम हैं नहीं फिलहाल, खाने वाले हैं क्योंकि भूख लगी है, तो इसलिए स्पेशल हम यहाँ पे आए हैं। बाहर के इंटीरियर में बात देखो, अंदर का इंटीरियर बात देखो, मैं बाहर का भी क्या है बेसिकली है वो। यहाँ पे तो मैं समझ गया इसके बर्थडे में, गीत के बर्थडे में पहले हम गए थे आसपास। चलो फिलहाल बाहर ऊपर बहुत ही अच्छा म्यूजिक कुछ लगा हुआ है, पहले ऊपर चलते हैं जल्दी से। फाइनली अभी क्लब से आ चुके हैं हम, और पहले ये मैडम गई थी स्वाति के घर अपना स्पेक्स लेने के लिए। उसके बाद अभी घर जाने से पहले, क्योंकि क्लब में हमने डिनर कर नहीं पाए थे क्योंकि ओवरऑल मतलब ज्यादा ये लोग भंड थे नाचने में, एकदम मैंने भंड के बाद नाचना बोल दिया क्योंकि हालांकि नहीं पी उन्होंने ना ही वो ड्रिंक करते, ये भी नहीं करती वैसे, और ब्रीजर भी नहीं पी कभी उन्होंने, ब्रीजर तो पी है तुमने, ब्रीजर मतलब पी है इसने। और ये मैडम पता नहीं जिंदगी में कब ट्राई करेगी वैसे, हालांकि नहीं करने की जरूरत। ये मैडम अभी ऑर्डर कर रही है, चलो करो क्या करना है बताओ, आप बताओ क्या क्या तो बाहर का दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ग्रीन पार्क में हमेशा हम आए हुए हैं। फिलहाल ये देखो ये शॉप मतलब खुली रहती है जनरली, और अभी ढाई बज रहे हैं तो अभी भी ये खुली हुई है। फिलहाल मेरे को आ रहा है सुसु, मैं सुसू करके आ रहा हूँ। ये हमारा इनका है चाप बिरयानी, चाप या मशरूम बिरयानी, मशरूम चाप बिरयानी, और मेरा आया पनीर बिरयानी कह रहा हूँ, फ्राइड राइस और कॉफी। और फूड Hold me close till I get up, time is barely on our side.